दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लब फैक्ट्री एप्लीकेशन के बारे में। दोस्तों आपको पता है ये एक शॉपिंग एप्लीकेशन है जिसमें हमें यहाँ पर अकाउंट में जाना होता है, यहाँ पर लॉगिन एंड साइन अप पर क्लिक करना होता है, उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो हम न्यू यूजर पर क्लिक करते हैं, उसके बाद यहाँ पर हम अपना नंबर डालते हैं और सेंड वेरिफिकेशन कोड पर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर लिख के आता है वेरिफिकेशन कोड आपको भेज दिया गया है, बट आपके फोन में बहुत देर होने के बाद भी ये आता नहीं है, तो इसी चीज का सलूशन हम इस वीडियो में देखेंगे। तो देखिए अभी तक कोड आया नहीं है, तो चलिए इसका सलूशन देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू टेक्सोर। दोस्तों आपको सबसे पहले बताता चलूं, अगर आपकी मैसेजिंग सर्विस कंपनी से ही बंद है तो आपको वेरिफिकेशन कोड नहीं आएगा, तो उसके लिए तो आपको अपनी मैसेजिंग सर्विस को ऑन कराना होगा। तो चलिए सॉल्यूशन को देखते हैं। सबसे पहले चले जाना है आपको सेटिंग्स में, उसके बाद यहाँ पर हमें नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको एप्लीकेशन मैनेजर ढूंढना है। तो मेरा एप्लीकेशन मैनेजर मोर सेटिंग्स में है, यहाँ से मैं ओपन करता हूँ और एप्लीकेशन मैनेजर पर यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर मुझे ढूंढना है क्लब फैक्ट्री एप्लीकेशन को, तो यहाँ से क्लब फैक्ट्री एप्लीकेशन पे चले जाता हूँ। अब यहाँ पर मुझे क्लिक करना है स्टोरेज में और यहाँ से क्लिक कर देना है क्लियर डेटा, पूरा डेटा क्लियर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर मुझे बैक आ जाना है और अपने फोन में मुझे ऑन कर लेना है एरोप्लेन मोड। यहाँ से मैं एरोप्लेन मोड ऑन कर लेता हूँ। आप चाहे तो आप यहाँ से अपनी नोटिफिकेशन से भी एरोप्लेन मोड को ऑन कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए एरोप्लेन मोड आपको यहाँ पर भी मिल जाता है। उसके बाद एरोप्लेन मोड को वापस ऑफ कर दीजिए, वापस चले जाइए एप्लीकेशन मैनेजर में और यहाँ पर क्लब फैक्ट्री एप्लीकेशन में चले जाइए। उसके बाद यहाँ पर आपको परमिशन मांगता है, तो यहाँ से आपको स्टोरेज, फोन और माइक्रोफोन की परमिशन आपको दे देनी है। उसके बाद यहाँ पर बैक आ जाना है और अपनी क्लब फैक्ट्री एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। यहाँ से कुछ परमिशन मांग रहे हैं तो इसे अलाउ कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर मैं मेल सेलेक्ट कर लेता हूँ और कंट्री इंडिया कर लेता हूँ। अब यहाँ पर अकाउंट में चले जाता हूँ, उसके बाद यहाँ लॉगिन एंड साइन अप पर जाता हूँ। तो यहाँ पर मैं न्यू यूजर में जाता हूँ और अब अपना यहाँ पर नंबर मैं पुट करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर वेरिफिकेशन कोड पर सेंड कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर वेरिफिकेशन कोड पर मैंने सेंड कर दिया और उसके बाद यहाँ पर मेरा कोड भी आ चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका कोड आ चुका है। दोस्तों आबिद एके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है, और कमेंट्स करिए और ऐसे इनके चैनल को शेयर भी कर लीजिएगा, इनकी वीडियोस तो काफी अच्छा लगेगा।